बन रहे हैं कच्चा आलू और हम बनाएंगे आज आपको दिखाने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, एक ऐसी रेसिपी जो आलू की बहुत मस्त मस्त होती है ना मम्मी। बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मज़े की आलू की रेसिपी बनती है। और वो रेसिपी किसकी बनाई हुई है? आयशा की। वो मैंने अपने पास से बनाई थी। हम क्या है ना, हम बताओ क्या पालक बोला था तो हम उसको कैसे कट के करते थे, बनाते थे जो भजिए बनाते थे ना हम पालक के। हाँ, मैंने काट के ऐसे आलू घिस के जो ग्रेटर होता है उसमें, तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि वीडियो में कैसे बनेगा। हाँ, कि कैसे हम आलू बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ मम्मी बना रही हैं कच्चा आलू। अभी और लाएंगे ना सामान वो कच्चा आलू। अच्छा, तो कच्चा आलू का सामान अभी और आने वाला है। फ्रूट्स हम पर वीक के मंगाते हैं तो वीक के एंड में ख़त्म हो जाते हैं। छोलों की तैयारी कर लेते हैं ना। छोले छोले बनाऊंगी। अच्छा, तुमने छोले बनाए? मुझे क्यों नहीं पता ये बात, ऐसे में मैं मन कर रहा था छोलों का। अभी गैस ख़त्म हुई हुई हमारी गैस ख़त्म हुई हुई है इतना हमारी नहीं, मतलब सिलेंडर की गैस। ये बहुत गैस है, गैस ख़त्म हो गई है। इतने हम ऊपर की तैयारी कर लेते हैं, इतने हम ऊपर की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं आलू के भजिए, तो आपको दिखाते हैं कैसे बनते हैं। देख सकते हैं यहाँ सारा सामान हो चुका है। तो ये है आलू, एक छोटा एक बड़ा। ग्रेट करके आलू बढ़ जाते हैं तो इसलिए हमने कम ही लिया है, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है चाट का मसाला, हल्दी और लाल मिर्चें। ये सब जो मिर्चें हैं आप अगर तेज़ खाते हो तो तेज़ रख लीजिए, वैसे मैंने बहुत छोटा गंदा चमचा कौन रखता है ऐसे, मैंने बहुत छोटा चम्मच लिया है। तो ये आधा टीस्पून लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून चाट मसाला है और ये आधा टीस्पून हल्दी है, लेकिन मैं इससे कम डालूंगी थोड़ी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है जो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और ये रहा हमारा ग्रेटर, तो हम इससे कद्दूकस कर लेंगे अब अपने पोटैटोस को। तो कद्दूकस करने के बाद मिलते हैं। तो छोटे ग्रेटर से हुआ नहीं था यहाँ पे मुझसे, तो मैंने ये बड़ा वाला ग्रेटर ले लिया है, तो आप इससे कर लीजिएगा अच्छे से सारे आलू उसमें कद्दूकस, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे गाजर का हलवा हम कद्दूकस करते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैंने यहाँ एक कप बेसन लिया है, तो ये सारा इसके अंदर डाल लेते हैं। मम्मी ने ओपन भी कर लिया लेकिन दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं आपको, ये तो अच्छी बात है, दिखाएंगे नहीं आई आपका, बाकी दिखाएंगे। तो इसमें अब मम्मी पानी ऐड कर देंगी ताकि मैं इसको अपने हाथों से मिला लूँ। तो पहले आप जितना भी, क्योंकि जो पोटैटोज होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर, अरे अभी गैस का काम थोड़ी हो रहा है, मम्मी शोर हो रहा है इससे नहीं। पोटैटोस में भी बहुत मॉइस्चर होता है, आपका पानी निकलता है जब आप कद्दूकस करते हो, मिलाऊं तो इसलिए इसे नहीं, इसे अच्छे से आप मिला लो, उसके बाद इसमें पानी ऐड करो अच्छी तरह, क्योंकि रुक जाओ, क्योंकि पानी इसमें बहुत ही कम डलेगा, क्योंकि आलू में ऑलरेडी पानी होता है जब हम उसको कद्दूकस करते हैं। तो इस तरीके से अच्छी डाली है, आप हमें चाहे लग जाए नहीं लगेगा, जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको बिल्कुल ऐसे पकड़ लो, वैसे उसको यहाँ से बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे मिलाना है, इस तरीके से। ये देखिए आपको ये देखिए, अब आप जब भी इसे बनाएंगे तो इस तरीके से डालने। तो मुझे थोड़ा बेसन कम लग रहा है, हरा धनिया तो हम थोड़ा ऐड कर, हाँ इसमें एक हरा धनिया और डलेगा जो मैं भूल गई, तो अभी हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया। इसको काट के हरा धनिया को चॉप करके आप उसमें, बेसन सही है बस। तो फिर अब इसमें हरा धनिया और डालेगा और आपका तैयार हो। हमारे आए हैं ईद के कुछ पार्सल्स, दिखा डैडी, ये हमारे कुछ पार्सल्स आए हैं। तो अभी हम आपको ईद की हमारी जो सारी शॉपिंग हो चुकी है, हमने ऑनलाइन की है इस बार, पिछली बार भी ऑनलाइन की थी और इस बार भी ऑनलाइन ही की है। और बहुत अच्छे कपड़े आए हैं जो कि आपको अभी दिख जाएंगे, क्योंकि अभी पापा के कपड़े आने बचे हैं, तो वो आ जाए तो हम आपको इकट्ठा दिखाएंगे, है ना मम्मी? हाँ, पापा और दीपा के आने बचे हैं तो वो आ जाएंगे, तो हम आपको इकट्ठे सबके कपड़े दिखा देंगे। तो काम नहीं करो, कितना शोर करती हैं ये बताइए। बना रही हूँ पालक की फिंगर्स, तो अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगी। रमज़ान वैसे भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाले हैं और ईद आने वाली है, अभी तो है, यहाँ भी तो है, मतलब ब्लॉग तो बाद ही लगेगा ना, तो इसलिए छीक रोक के रखो। मम्मी कैमरा पकड़ी है, मम्मी को छीक आ रही है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी, ये अलग तरीके से बनते हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी। 10 रुपये का एक नींबू बताओ यार, नींबू पहले हम नींबू को निचोड़ते थे, नींबू ने निचोड़ दिया, हम नींबू निचोड़, मैंने मम्मी से कहा नींबू है क्या,
थोड़ी नहीं है, नींबू की बचत कर लेंगी। तो यहाँ हो रही है सहरी की तैयारी। आपको इंशाल्लाह सहरी का जो ब्लॉग है कि हम पूरा प्रॉपर सहरी कैसे बनाते हैं गाड़ी, तो आपको पता ही चल गया, वो भी मिल जाएगा ना मम्मी, वो भी मिल जाएगा। बस मम्मी को याद रहे मुझे उठाना ब्लॉग के लिए, क्योंकि मम्मी सब कुछ करने के बाद जब बिल्कुल दस्तरखान लग जाता है मम्मी हमें उठाती है। हमने माशाल्लाह नमाज, क्या गारंटी बोलो, ये उठती नहीं है सहरी। हाँ तो बस याद रहे कि मम्मी सहरी में हमें उठा दें, क्योंकि मम्मी जब उठाती हैं वो बिल्कुल एंड मोमेंट होता है, तो मम्मी सब कुछ बना के हमें बस सर्व कर देती हैं। और अभी मम्मी, हमने नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह, पापा मैंने, मम्मी पढ़ नहीं सकती अभी, तो अभी मम्मी उसमें नमक चख के बताएंगी नमक कैसा है, बताओ मम्मी। आज मम्मी को हमने नमक चखने वाली बना रखे है। डाल दो और उसमें भी चख लो, मेरे हाथ से हमेशा नमक पीका रह जाता है, तो यहाँ मैं तेल ही गर्म कर रही हूँ, फिर हम इसमें पकौड़े डालेंगे। बस रोबज़ा मंगाया, क्योंकि हमारा रोबज़ा जो था वो एक बोतल ख़त्म हो गई, और अब ये मंगाया तो पापा शुगर फ्री रोबज़ा लेके आ गए हैं, इसका कोई काम नहीं है, वापस होगा, रख दो उसको, ये वापस होगा। पापा से मंगाया था हमने कुछ और, लेके कुछ और आ गए, क्योंकि पापा को एक साथ पांच चीज़ें बताओ तो वो दो तो भूलते ही हैं। तो इसलिए चलिए हम अब आलू निकालते हैं अपने फ्रिज में से। आलू तो हर, जैसे आम जो है फ्रूट्स का बादशाह है, ऐसी आलू है सब्जियों का बादशाह। तो ये टमाटर आ गया, ये लो ये टमाटर आ गया तुम्हारा, चलो।